चलो उठो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना है, चलो रो मत, आओ चलो संभालो अपना, चलो निकलो यहाँ से आओ। दीदी संभाल संभाल, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग बेटन को लेके मेन गेट पे जाओ। अरे भाई सुन, हम आ जाएंगे, तुम लोग जाओ लेके, चल जाओ संभाल के लेके जाओ, जाओ ले ले। तुम लोग यहीं रुकना, अपना ख्याल रखना। अरे अबीर अबीर देख के हो तो पंडित, तुमने राजपूतों वाले जौहर दिखाए, बाद में हालात बहुत ही खराब हो गए थे। हालात और खराब हो गए थे? हाँ, हम जब निकले तो वहां अंधाधुन मारकाट चल रही थी। अरे हाँ, हमारा पास, रुको रहे, हम लेकर आते।
चाची, हम अबीर भैया की वजह से वहाँ से बच के निकल पाए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो तो हमें बचाते बचाते खुद ही जख्मी हो गए थे। अच्छा, तुम्हारा कोई दोस्त जिसे तुम पूछ सको कि वहाँ के हालात अब कैसे हैं, सिचुएशन कंट्रोल में है कि नहीं? अरे गुड्डन, जाने दो ना, तुम लोग घर सेफली पहुँच गए और हमें क्या चाहिए? लल्ला कहाँ? वो तो कॉलेज गया है, आपके सामने तो गया था, 3 बजे वापस आएगा, यही तय हुआ था ना? आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? शहर में दंगा हो गया, इसी पार्टी के यूथ विंग ने कोई प्रोटेस्ट किया जिससे स्टूडेंट्स में आग भड़क गई और ये फसाद लल्ला की यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। लल्ला की यूनिवर्सिटी से? हेलो लल्ला? लल्ला नहीं, हम इंस्पेक्टर यादव बोल रहे हैं। आपके लल्ला को कॉलेज में दंगा फसाद करने के जुर्म में हिरासत में लिया जा रहा है। क्या? आज तक जिंदगी में हमने किसी का एहसान नहीं किया, किसी की सिफारिश नहीं करी। आज ये जो पुलिस ऑफिसर है हमारा एक काम करेगा, हमें उसके बदले में उसके 4 काम करने पड़ेंगे। हम इस लेन देन के झंझट से हमेशा दूर रहे हैं, लेकिन आज आपके लल्ला ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपने आदर्शों, अपने नियमों का गला अपने हाथों से खोल दें। और ये अंत नहीं है, न जाने हमें और कितना मजबूर होना पड़ेगा। मोहल्ले की हरकतों से रोकने के लिए हमने उसे कॉलेज भेजा और उधर पहले ही दिन कॉलेज में इतनी बड़े कांड में पड़ गए। डांटना नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना कहते हैं। दीदी, अबीर भैया अपने रूम में भी नहीं दिखाई दे रहे। मैं समझ नहीं आता अबीर का पता हम कैसे लगाए। शादाब और गौरव भी अभी तक नहीं लौटे। अगर हमें बचाने के चक्कर में नहीं पड़ते ना, तो वो भी अंकुर भैया की तरह भी घर में होते। नहीं बेटे, अबीर औरों की तरह नहीं है। इतनी बड़ी बेवकूफी हम कैसे कर सकते? हमें क्यों जिद करके उसे नहीं रोका? नहीं दीदी, अभी भैया को कुछ नहीं होगा, वो वापस आते होंगे।